मशहूर एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन एक गंभीर आंखों की समस्या से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि लेंस लगाने के बाद उनकी आंखों में दर्द, जलन और धुंधलापन होने लगा, जिससे वह ठीक से नहीं देख पा रही थी। जैस्मीन ने बताया कि यह घटना 17 जुलाई को दिल्ली में एक इवेंट के दौरान हुई थी। इवेंट के लिए तैयार होते समय जैसे ही उन्होंने लेंस लगाए, उनकी आंखों में जलन शुरू हो गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास जाने का सोचा, लेकिन काम की प्रतिबद्धताओं के कारण वे पहले इवेंट में शामिल हुए। पूरे इवेंट के दौरान उन्होंने सनग्लास लगाए रखे और उनकी टीम ने उनकी मदद की, क्योंकि एक समय के बाद वे कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इवेंट के बाद उसी रात जैस्मिन को आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो चुका है और उनकी आंखों पर बैंडेज लगाया गया, जिसके बाद वे मुंबई लौट आई और अपना इलाज करा रही हैं। इस मामले में जैस्मिन ने कहा कि अभी भी उन्हें काफी दर्द हो रहा है और डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें ठीक होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इस दौरान उन्हें आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दर्द के कारण उन्हें रात में सोने में भी तकलीफ हो रही थी। जैस्मिन ने अपनी स्थिति के बावजूद काम नहीं टाला और उम्मीद जताई कि वे जल्द से जल्द ही ठीक होकर काम पर लौट आएंगी।